Starting with the name of the world is most wonderful and beneficial in the world. Prabhu ji jitni ek baar आज हम स्टार्ट कर रहे हैं 1.3 के वो सेकंड टाइप के क्वेश्चन की, ठीक है। उसमें क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर 9 तक है। क्वेश्चन नंबर 6 से 9 तक क्या कर रहा है वो हमें, ठीक है, उसने क्वेरीज दी है जैसे ये है और वो कह रहा है इसको सॉल्व करो। पहले हमने पढ़ा था पावर 4 पावर माइनस में उसको हमने कैसे क्वाड्रेटिक बनाना है। अब इधर अगर हम देखें तो ये 2x+1, इधर भी 2x+1, तो हम इस क्या करेंगे, इस टर्म को हम बाय ले लेते हैं। हम क्या करते हैं, लेट कर लेते हैं, फर्स्ट कर लेते हैं, लेट 2x² + 1 किसके इक्वल है, y, ठीक है। ये सारे क्वेश्चन ऐसे ही होंगे, नेक्स्ट पैटर्न में बता देता हूं, फिर आगे देखेंगे। 2x² + 1 क्या हो गया, y के इक्वल आ गया। अब जहां जाकर 2x² + 1 का उधर y पुट कर दो, ये तो y आ गया प्लस 3 / 2x + 1 है तो उसकी जगह भी y आ गया = 4, ठीक है। अब इसको क्वाड्रेटिक वे में बना के सॉल्व कर देते हैं, पहले सिंपलीफाई करते हैं। अब हम इसको ऐसे लिखते हैं, जब दो फ्रैक्शन आती है तो उसको सॉल्व करने का क्या तरीका, इसके नीचे कुछ नहीं है तो वहां ले लिया। अब एलसीएम ले लेते हैं, एलसीएम में क्या होगा, नीचे वाली दोनों टर्म्स को मल्टीप्लाई कर दो, y² वो y हो जाएगा, फिर y को इसके साथ मल्टीप्लाई करना, इसको इसके साथ, y को y से मल्टीप्लाई किया तो y² हो गया प्लस 1 को 3 से किया तो वो 3 ही हो गया = 4। वैसे अब y इधर डिवाइड हो रहा तो जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या आएगा, y² + 3 = 4। y एक साइड पर सारे ले आते हैं, क्या होगा y² ये +3 - ये +4 का इधर आएगा -4 का आएगा = 0, उधर से इधर आ गया तो खत्म हो गया। अब इसको अगर मैं अरेंज कर दूंगा -4y + 3 = 0, अब क्या हुआ है, अब हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया है y का। अब इसको हम किसी भी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, जितने भी हमने पीछे मेथड पढ़े थे क्वाड्रेटिक के, 3 पढ़े थे, उसमें से किसी से भी सॉल्व कर सकते हैं। तो मैं फैक्टराइजेशन से कर देता हूं y² + 3, वैसे ही अब -4 को मैंने ब्रेक करने के मल्टीप्लाई करूं तो 3y² आए, ये आप फैक्टराइजेशन वाले बुक लेक्चर देख सकते हैं। अब ये होगा -3y और -1y, -3 को -1 से करूंगा तो +3 आएगा, ठीक है, यही हमें चाहिए। -0 - 1 को जब मैं ऐड करूंगा तो वो -4 हो जाएगा, -3। अब इन दोनों में से क्या चीज को बना रही है, y, तो अंदर क्या बच जाएगा मेरे पास, y - 3। इधर से मैंने लेना है -1 को, अब क्योंकि y मुझे पॉजिटिव चाहिए, ये y माइनस में तो y प्लस हो जाएगा, ये जो प्लस दी है ये -3 हो गया। अब ये जब y माइनस थ्री इसको एक बार ही देंगे और बाकी जो है -1 वो एक दफा = 0। इधर से y को मैं अलग से -3 को 0 के इक्वल रखूंगा, ये y -1 अलग से 0 के इक्वल आएगा। इधर से अगर मैं देखूंगा y 0 से वैसे ही रहेगा तो -3 इधर आएगा तो क्या होगा +3, तो 0 में 3 ऐड करूंगा तो वो 3 ही रहेगा। इधर भी ऐसे 0 वैसे ही रहेगा तो -1 इधर आएगा तो क्या होगा +1, तो 0 + 1 होता है 1 ही होता है। अब हमारे पास y के आंसर दो निकले हैं, एक बार निकला हमारे पास 3, दूसरा बार हमारे पास निकला है 1, पर क्वेश्चन हमारे पास y में नहीं था, क्वेश्चन हमारे पास x में था, तो उसके लिए मैं क्या करता हूं, y की जगह y की वैल्यू पुट कर देता हूं, y की वैल्यू क्या है, 2x² + 1, 2x² + 1 = 3, इधर भी बात करें तब आएगी वैल्यू 2x² + 1 = 1 क्या, तो 1 लिख दिया, ठीक है। अब मैंने क्या कहता है, ये x की वैल्यू निकालनी, तो ये इधर ही रहने देता 2x² = 3, प्लस का मान इधर आकर क्या आ जाएगा -1, 2x² इधर ही 3 - 1 हो जाएगा 2x² है तो
एक्स स्क्वायर टू इज अ मल्टीप्लायर राइट साइड पर आगे डिवाइड हो जाएगा टू बाय टू, तो एक्स स्क्वायर हमारे पास क्या आ जाएगा टू बाय टू वन। जब मैं क्योंकि मुझे एक्स की वैल्यू चाहिए मैं एक्स का स्क्वायर रूट ले लेता हूँ दोनों साइड पर, क्योंकि एक्स स्क्वायर स्क्वायर खत्म करने के लिए मुझे स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा, तो जब स्क्वायर रूट लेते हैं तो आंसर प्लस माइनस का आंसर ये कैंसर, तो एक्स क्या आ जाएगा हमारे पास इधर से इसको भी सॉल्व कर देते हैं टू एक्स स्क्वायर इक्वल टू वन, ये प्लस का मान कर आएगा तो माइनस वन हो जाएगा, टू एक्स स्क्वायर वन माइनस वन जीरो हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर जब टू से ज्यादा डिवाइड होगा जीरो बाय टू ये भी जीरो हो जाएगा, तो जब मैं स्क्वायर रूट लूंगा तो वो भी आंसर मेरे पास जीरो ही आएगा। ठीक है, वो प्लस माइनस जीरो के साथ लगाने की जरूरत ही नहीं है। ये था हमारा क्वेश्चन। अब अगर मैं नेक्स्ट इसके पार्ट देखूं क्वेश्चन नंबर सेवन ए और नाइन सारे सेम है, क्या कर रहे हैं इसमें हमने सिर्फ क्वेश्चन नंबर सेवन अगर मैं आपको बता दूं क्या एक्स बाय एक्स माइनस थ्री प्लस फोर इंटू एक्स माइनस थ्री बाय एक्स इक्वल्स टू फोर। अब इसको हम क्या करें इसको हम फर्स्ट करते हैं लेट करते हैं एक्स बाय एक्स माइनस थ्री किसके इक्वल है वाई के, लेट एक्स बाय एक्स माइनस थ्री इक्वल्स टू वाई। अब अगर मैं ये चीज देखूं ये एक्स बाय एक्स माइनस थ्री ये बिल्कुल इसका ऑपोजिट है एक्स माइनस थ्री बाय एक्स, तो उसकी वैल्यू निकालेंगे तो मैं क्या करता हूँ इसको उल्टा देता हूँ। ठीक है, क्योंकि मुझे तो दोनों वैल्यू चाहिए ना, तो जब एक्स माइनस थ्री बाय एक्स होगा तो इधर भी वाई है तो वाई भी जब उल्टेगा तो वो वन बाय वाई होगा क्योंकि इसके नीचे कुछ भी नहीं है तो वन है, तो जब हमने इस साइड को उल्टाया है तो ये वाली साइड का भी उल्टाएंगे। अब अगर मैं वैल्यू भी पुट कर दूं एक्स बाय एक्स माइनस थ्री क्या आएगा मेरे पास वाई बाय वाई दो वाई ही होता है प्लस ये फोर वैसे ही एक्स माइनस थ्री बाय एक्स क्या होगा वन ओवर वाई इक्वल्स टू फोर। इसी तरह से जो उससे नेक्स्ट वैल्यू है वो है एक्स माइनस ए ओवर एक्स प्लस ए माइनस जो नेक्स्ट वैल्यू है वो एक्स प्लस ए, यही उलट रही है वैल्यू ऐसे ही आप लोग ए को वाई लोगे दूसरी आपके पास होगी वन ओवर वाई, अब वैल्यूज पुट करोगे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, जो नहीं होगा वो मैं से पूछ लेना। ठीक है, तो प्रैक्टिस करो आप और जो ऊपर एक लिखी हुई है बात, क्योंकि हम सब अपनी जिंदगी में कामयाब होना चाहते हैं तो कामयाब हुआ कैसे जाएगा कामयाब होने का तरीका क्या, तो उसके लिए हमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी पर अमल पैरा होना चाहिए, मतलब जो सल्लम ने अपनी जिंदगी में करके दिखाया। ठीक है, तो क्या क्या उन्होंने किया जो उनके मेन काम थे वो सारे काम मेन रहे थे, उन्होंने कभी किसी के साथ झूठ धोखा फ्रेप नहीं किया था। ठीक है, और दूसरा उन्होंने कारोबार, क्योंकि हमने डेफिनेटली कुछ खाना पीना भी है उसके लिए हमें कारोबार करना पड़ता है, तो कारोबार उन्होंने किया मुनाफा कमाया पर गलत तरीके से उन्होंने किया, ना सूद खाया ना उन्होंने रिश्वत दी ना गलत चीज देकर ज्यादा पैसे ले लिए, तो इस तरह से कोशिश करें और ना ही दूसरों की मजबूरी का फायदा उठाया, जैसे आजकल हमारे में हो रहा था कोविड 19 की वजह से जो 5-10 वाला शायद 5 का भी नहीं था वो मास्क 20-30 रुपए का सेल हुआ, तो इस तरह से उन्होंने किसी की मजबूरी का फायदा नहीं उठाया, तो कोशिश करें अमल करें। थैंक यू वेरी मच फॉर टुडे।